गुड मॉर्निंग कक्षा 9 हिंदी क्षितिज हिंदी क्षितिज पाठ है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जन्म कब हुआ था 1980 में हुआ था जन्म 1880 सन 1880 में हुआ था स्थान वाराणसी के लमही गांव के लमही गांव मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था उनका मूल नाम धनपत राय था प्रेमचंद का बचपन अभावों और संघर्षों से भरा हुआ था वे बीए तक किसी तरह शिक्षा प्राप्त किए फिर उन्होंने विभाग में नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा इसलिए लेखन कार्यों में प्रति रुचि पूरी तरह से समर्पित हो गए और 1936 में मृत्यु हो गया इनका देहांत हो गया इनकी कृतियां हैं कहानियां महासरोवर 8 भागों में है महासरोवर कहानियां महासरोवर इनकी उपन्यास है रंगभूमि प्रेमाश्रय उपन्यास रंगभूमि प्रेमाश्रय कायाकल्प निर्मला गवान गोदान इनका उपन्यास गवान रंगभूमि कर्मभूमि इत्यादि इनकी रचनाएं रंगभूमि हंस जागरण उन्होंने हंस जागरण माधुरी आदि पत्रिकाएं संपादित की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी पत्रिकाएं हंस जागरण माधुरी
हंस जागरण और माधुरी की पत्रिकाएं थी। पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य में के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा है, जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य की में मिलती है। किसानों और मजदूरों को की दैनिक स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें पुरुष की, मनुष्य की, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद का लेखन प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इनकी भाषाएं सरल और सरल सजीव एवं मुहावरेदार है। भाषाएं सरल सरल और मुहावरेदार उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। आगे देखिए उनकी दो बैलों की कथा में एक किसान वर्ग के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के माध्यम से भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि इस कहानी में स्वतंत्रता उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद स्वतंत्रता एक बहुत प्रिय और इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन में की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपदेश और विकास किया है। आगे देखिए। थैंक यू। नेक्स्ट डे।